गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आप अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए, फिफ्थ क्लास की मैथ्स की बुक। और आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4 एंड पेज नंबर 27 निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 5907693। एक वन नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। देखिए, मान लीजिए उसमें बोला जो है, हम बस उसको कॉन्सेप्ट में उसको करते हैं। मान लीजिए दो संख्या का जोड़ 10 है। ठीक है, इसमें बोला है कि दो संख्या का जोड़ कितना है, तो हम छोटे नंबर से आपको सुन रहे हैं, तो दो नंबरों का जोड़ कितना है, 10 है। अगर उसमें से एक संख्या 6 है तो दूसरी कितनी होगी, तो ये पूछा गया है। एक संख्या है 59,07,693, दूसरी संख्या आपको इसमें बोली है कि 36,27,893, तो दूसरा नंबर आपको। तो हम छोटे नंबर से आपको समझाते हैं कि अगर दो नंबरों का जोड़ 10 है, ठीक है, तो अगर उसमें से एक संख्या 6 है, तो ये वाली संख्या क्या होगी, हम क्या करेंगे, 10 में से 6 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4, यानी कि ये संख्या 4। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाला करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज दिस। ठीक है, वन नंबर कितना है, जो एक नंबर है वो ये रहा, तो द अदर नंबर इज, द अदर नंबर इज दिस। ठीक है, इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। ये सारा आपको क्या करना है, 2.4 की जो एक्सरसाइज है सारी की सारी आपको बुक में, सॉरी कॉपी में करनी है। ठीक है, कहाँ करनी है, कॉपी में करनी है। चलिए नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डबल स्टोरी बिल्डिंग कॉस्ट इतनी, इफ अ मैन हैज इतने पैसे, हाउ मच मोर मनी डज ही रिक्वायर्स टू बाय द डबल स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, ट्रेन की कैपेसिटी है लोड कैरी करने की कितनी है, 2,02,000
सीरियल ग्रेन विल लेफ्ट बिहाइंड फॉर द सेकंड ट्रिप, यानी कि बचा हुआ जो अनाज होगा दूसरी ट्रिप के लिए कितना होगा, इतने से कितना घटा देंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटाने का काम आपको करना है, एज इट इज आपको बुक में उतार लेना है, ये लाइंस मत करना। इसको मैं आपको इसलिए किया था जिससे कि आपको अलग अलग नजर आए, मिक्स ना हो, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम ये समझ में नहीं आया है। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बाय।